जे मा समले समस्त मोर जुहार। आज का आम चिकेन कसा बनामा, चलुन बनामा। मुई इनु 700 ग्राम चिकेन नहीं छे। इतना के मेरिनेट करवार लगे मुई अदा लहसुन पेस्ट दी 2 चामच दौछे। तापरे मुई दही दे 3 चामच। आउ हल्दी गुण दे 2 चामच। तापरे मुई इनु जीरा और धनिया रो पाउडर 3 चामच दे छे। तापरे कश्मीरी रेड चिली पाउडर दे छे 2 चामच। तापरे मुई इनु यहाँ मीट मसला 1 चामच देली। आयता के भल से सानी दो छे। आयता के मुई 2 घंटा लगे रखी देमे। इता के भल से मिसे सारला परे इता के मुई 2 घंटा ढापी करी रखी देमे। तापरे मुई इनु प्याज नहीं छे। आउ प्याज के मुई कुरकुटी करी काटी दो छे। मुई इनु 3टा मीडियम साइज रो प्याज के टिके बड़ बड़ साइज करी काटी दी थी और सीता के रखी थी। यहाँ सीता के आ जोड़े टमाटर के काटी करी से दे करी ग्राइंडिंग करमी। तापरे मुई प्याज और टमाटर के दी भल से ग्राइंड कर देली। तापरे मुई कढ़ाई रे तेल दउ छे। इदि मुई यहाँ तेलटा गरम हो गला परे सुखा मिर्चा 3-4टा दे देमे। तापरे मुई दी काटी कर रखी थी प्याज के दउ छे। आ इता के मैं मिसे दउ छे। प्याजटा ब्राउन हो गलानो, भल से पूरा भाजी हो गलानो। भाजी हो गला परे मुई दी अदा लहसुन पेस्ट 2 चामच दे छे। आ इता के मुई यहाँ ने टिके घाटी दउ छे। इटा जनता भल से भाजी हो जिबा। मुई दी कश्मीरी रेड चिली पाउडर टिके दे छे। आ हल्दी गुण 1 चामच दे छे। काहे लेके आग्रो हम मांस रे मैरिनेट कला बले हल्दी दे थिला। तापरे मुई ये टिके पैन देछे। तापरे जन बाटी गई रखी थी टमाटर और प्याज रो पेस्ट के दोचे। यहाँ ने हमारे मसला पूरा मस्त भल से पूरा भाजी ही गलानो। तापरे मुई ये दी मीट मसला देछे 2 चामच पाखा पाखी। और इतना की भल से पूरा मिसे दोचे। तापरे जन मैरिनेट कर थी मांस के मुई यहाँ ने इधि दे देमे। आ इता के भल से मुई मिसे देमे। आईटा टिके टिके हो गला परे तापरे मुई इधि स्वाद अनुसार नून दे दउछे। मैरिनेट कला बेले मुई नून ना दे थे से टाइम रे नून दे देले बेसी पैन बाहरी पड़सी, मांसर टेस्ट भल ना लागे। और नून दे सारी करे मुई ताके भल से मिसे दउछे। तापरे मुई ताके ढापी दउछे 10-15 मिनट लागि। तापरे मुई ताके खुल्ली।
ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ୟାନ୍ ବାହାରିଲାନ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଫେର ଥରେ ଭଲସେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟୁଛେ। ମାଂସ ପୁରା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗରମ ମସଲା ଦେଇଛେ 2 ଚାମଚ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଫେର ଭଲସେ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେଉଛେ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଶୁଖା ରଖବାର୍କେ ଚାହିଁବେ ବେଲେ ଏତେକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସର୍ଭ କଲେ ବି ଚଲ୍ବା। ମୋତେ ଟିକେ ଝୋଲ ଦରକାର ଥିଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଇନୁ ଇହାଦେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ୟାନ୍ ଆଡ଼୍ କରୁଛେ। ତାପରେ ଏଇଟାକେ ମୁଇଁ ମିଶେଇ କରି ଟିକେ ଫୁଟବାର୍କେ ଦେମି। ଏଇ ମୁଇଁ ଧନିଆ ପତର ଦେଇ ଦଉଛେ। ତାପରେ ଧନିଆ ପତରଟା ମୁଇଁ ଦେଇକରି ଏ ଦୁଇଟାକେ ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେମି। ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଧନିଆ ପତର ଦେଇଛେ କାହିଁଲେ କି ସ୍ମେଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସି। ତାପରେ ଏଇଟା ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାନ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ସସ୍ ଆଡ଼୍ କରମି। ଲାଷ୍ଟକେ ସବୁବେଳେ ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ସସ୍ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏହାନେ ମୁଇଁ ହେଇଗଲା ପରେ ଚିକେନ୍ରେ ସସ୍ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଲି। ଲାଷ୍ଟକେ ଚିକେନ୍ରେ ସସ୍ ଦେଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଫାଷ୍ଟରୁ ଦେଇଦେଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଯାଏସି। ଏହାନେ ଆମର ଚିକେନ୍ କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛେ ବି। ଏନ୍ତା କରି ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଚିକେନ୍ କଷା ବନେଇ ଦେଖନ୍ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ। ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜେ ମାସମ୍ଲି।